हाय गाइस, आज हम जेंट्स की शर्ट कटिंग करने सीखेंगे। हमारा लेंथ है 28 इंची, 28, ठीक है। शोल्डर है 15 इंची, आर्मोल है 15। शर्ट में आर्मोल का मेजरमेंट लिए तो भी सही है, नहीं लिए तो भी सही है। चेस्ट है 31, वेस्ट है 26, हिप 31 आता, जो चेस्ट है वही आता हिप में भी, ठीक है। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये 31 है तो 31 का चौथाई भाग करके ये चौथाई भाग करने के बाद 0.25 इंच कम कर देंगे। यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाएंगे, एक निशान 2.25, एक निशान 7.25, दूसरा निशान 14, 14.5। अगर हाइट ज़्यादा है तो 15, मिनिमम 15, ठीक है। ये हमारा 4 मार्किंग हो गया रेडी, 5 मार्किंग, ठीक है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक आइडिया से 1.5 मतलब 1.5 इंची, 2.25 रख लो आप कपड़े के हिसाब से। शोल्डर 15 है तो इसको हम 15 से थोड़ा बढ़ के रखेंगे। और आर्म चेस्ट का 12 भाग करना है, यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंची से थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे 1.5 इंची उतार देना है। अब चेस्ट का चौथाई भाग चेस्ट पे रखेंगे, 31 है, 31 है तो एग्जैक्ट एक्सिस पे निशान डालेंगे, उससे 1 इंची लूज डालेंगे। ज़्यादा फिटिंग है तो 1 इंची, अगर नॉर्मल फिटिंग है तो 1.5 इंची रखना पड़ता है। वेस्ट है 26, यहाँ भी 1 इंची रखेंगे, हिप चेस्ट के हिसाब से ही रखेंगे। अब हमारा ये पूरा निशान सीधा करेंगे। यहाँ से 1.25 इंची अंदर, ठीक है। ये हमारा मार्किंग रेडी हो गया। लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये फ्रंट कटिंग सीख रहे हैं, बैक की कटिंग दूसरा वीडियो में सीखेंगे।